आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। हनुमान जन्मोत्सव पर युवा कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा पाठ। अलीराजपुर युवा कांग्रेस के युवा साथियों ने बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। पूजा और आरती कर प्रसादी वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी महंत श्री घनश्याम दास महाराज ने बताया, ये मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आए हर संकट और कष्ट और भय से छुटकारा मिलता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में बजरंग बली की शक्तियों का वर्णन है। आज के दिन पवन पुत्र हनुमान की विधिवत पूजा करने से जल्द ही फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के अलावा मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है भगवान हनुमान ही एकलौते ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं, इसलिए वे भक्तों के ऊपर आई हर एक विपदा को पल भर में खत्म कर देते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति हर दुख से छुटकारा पाता है। इसके साथ ही भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। आज इसी कड़ी में हनुमान जन्मोत्सव पर युवा कांग्रेस के साथी बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया एवं आरती उतारकर प्रसादी वितरण की। उक्त कार्यक्रम में मंदिर के महंत के साथ अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के तरुण मंडलोई, सोनू वर्मा, जीतू देवड़ा, धन सिंह चौहान, मनीष चौहान, प्रदीप सोनी, जोनी कसेरा, गोलू वाणी, सुनील तोमर, धीरेन चौहान, नितिन भीणे, जुआन डुडवे, प्रकाश पटेल, लक्ष्मण सुरेश चौहान, राहुल चौहान, करम सिंह मंडलोई आदि कार्यकर्ता श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ वासुदेव वाणी की रिपोर्ट।